आपका देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और खबर झारखंड में आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन के आवास पर विपक्ष के घटक दलों की बैठक हुई जिसमें विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा की गई। एक हफ्ते के अंदर फिर से बैठक बुलाई गई है जिसमें सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकालने की कोशिश की जाएगी। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्य के विपक्षी दलों को एकजुट करने में जुटा है। 10 जुलाई को नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन के आवास पर तमाम विपक्षी दलों की बैठक हुई। बैठक में महागठबंधन की रणनीति समेत घटक दलों की साझेदारी पर चर्चा हुई। बैठक के बाद हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी को रोकने के लिए मंथन हुआ है, सभी दलों के साथ चुनाव लड़ने की सहमति बनी है, सीटों को लेकर एक हफ्ते के भीतर फिर चर्चा होगी। भारतीय जनता पार्टी और रघुवर सरकार को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएं, इस पर चिंतन मंथन हुआ। लोकसभा चुनाव के बाद से ही महागठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठते रहे हैं। 10 जुलाई की बैठक में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार और झारखंड विकास मोर्चा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी नहीं पहुंचे। ऐसे में फिर से विपक्षी एकता पर सवाल उठने लगे। हालांकि कांग्रेस और जेवीएम की ओर से आलमगीर आलम और सरोज सिंह बैठक में मौजूद रहे। कांग्रेस ने सिटिंग सीट के साथ साथ पिछले विधानसभा चुनाव में सेकंड पोजीशन पर रहने वाली सीट भी मांगी है, जिसका आरजेडी ने भी समर्थन किया है। बहुत अच्छा वातावरण में और पॉजिटिव चिंतन मंथन हुई और उसी इस निष्कर्ष में हम लोगों ने आया कि आने वाले दिनों में जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहा है उसमें हम लोग गठबंधन के तहत चुनाव सभी दलों में लड़ेंगे। सभी दलों ने, जितने लोग आए थे, सब लोगों ने तय किया कि महागठबंधन के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। झारखंड विकास मोर्चा की भी दावेदारी अलग नहीं है। जो दल गठबंधन में आते हैं, सीटिंग गेटिंग के अलावा जो सीटें बचती है उस पे फिर वो नेता निर्णय लेंगे अपना कि वो फिर कहां कौन मजबूत है, कौन कहां लड़ सकता है उसके हिसाब से। एक सप्ताह के अंदर फिर से बैठक बुलाई गई है, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा जल्द से जल्द न सिर्फ सीट शेयरिंग पर फैसला कर लेना चाहता है बल्कि चुनाव में जाने से पहले की तैयारी पर भी फोकस है। मसलन विधानसभा चुनाव में ग्रुप कैंपेनिंग की स्ट्रेटेजी, बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच सामंजस्य पर जोर, घटक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच संवाद, बूथ स्तर पर महागठबंधन की एकजुटता का संदेश देने पर जोर। जाहिर है लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के बीच सीट शेयरिंग होने के बावजूद आरजेडी ने मुखालफत कर दी थी। कई विधानसभा क्षेत्रों में वोट ट्रांसफर नहीं होने के आरोप भी लगे। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा न सिर्फ बड़े भाई की भूमिका में पार्टियों को जोड़ने में जुटा है बल्कि कार्यकर्ताओं को भी उत्साहित करने की कवायद जारी है। सौरभ शुक्ला, जी मीडिया, रांची। कम वक्त में ज्यादा काम करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक चुके सूबे के मुखिया फुल एक्शन मोड में काम कर रहे हैं। 3 महीने के कामकाज का खाका वो पहले खींच चुके हैं और इस लक्ष्य को साधने के लिए खुद को पूरी तरह से झोंक भी दिया है। खासकर संथाल का विकास उनकी टॉप प्रायोरिटी है, जिसके लिए मुख्यमंत्री रघुवर दास जब मंगलवार को देवघर पहुंचे तो एक साथ कई मोर्चों पर काम करते दिखाई दिए। सरकार, प्रशासन, सियासत और आस्था, चारों मोर्चों पर बिना थके बिना आराम किए उनकी मुस्तैदी ने कईयों को उनका कायल कर दिया। रांची के गोदाम में सड़ रहे अनाजों को गौर से देख लीजिए। सरकारी अनाज को दीमक और कीड़ों ने अपना निवाला बना रखा है। तस्वीरें रांची के कडरू एफसीआई गोदाम की है। यहाँ पर रखे हजारों क्विंटल दाल, चीनी, नमक और चावल इसलिए बर्बाद हो गए क्योंकि यहाँ के सिस्टम में भी दीमक लग गया है। सरकारी गोदाम में रखे जिस अनाज से गरीबों का पेट भरा जा सकता था वो व्यवस्था की भेंट चढ़ गया। अनाज सड़ रहा है लेकिन खाद्य मंत्री जांच पड़ताल और अधिकारी के चार्ज लेने की बात कह रहे हैं। कोई पदाधिकारी दे दिया, मैनेज कर, डीसी ने किसी को दिया वो चार्ज नहीं लिया, तो जब चार्ज नहीं लिया तो उसके बाद ये दूसरे को दिया गया है। दूसरे कल आए
उनका चार्ज हो जाएगा। चार्ज हो जाने के बाद वो देखेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे कि उनको गोदाम किस स्थिति में मिला है। जी, इस गोदाम में 1009 क्विंटल अरहर दाल, 1009 क्विंटल मसूर दाल, 200 क्विंटल चीनी और करीब 325 क्विंटल अन्य अनाज सड़ चुका है। इसमें मिड डे मील का अनाज भी है। खाद्य मंत्री इसके लिए शिक्षा विभाग पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। अनाज कोई बर्बाद हुआ है तो वो डिजिग्नेटेड था। अगर शिक्षा विभाग के लिए कोई अनाज दिया गया है तो शिक्षा विभाग को उसका उपयोग करना है। अनाज सड़ रहा है। गोदाम पहुंचकर खुद खाद्य मंत्री सरयू राय हालात देख चुके हैं, लेकिन जब दलील सुनेंगे तो सिर घूम जाएगा। इतना ही कह सकते हैं कि कहीं कोई दोषी होगा तो मैं कॉर्पोरेशन के अधिकारियों को कहूंगा कि आप उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। सरकार सीधे हस्तक्षेप भी नहीं कर सकती है। गरीबों का निवाला दीमक खा रहा है। अनाज गोदाम में कीड़ों की भरमार है, लेकिन मंत्री जी को कोई इससे लेना देना नहीं है। हालांकि विपक्ष सड़ रहे अनाज पर बड़ा हमला कर रहा है। सरजू राय जी का यह कहना कि यह बहुत चिंताजनक है, इससे आप अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते। एक तरफ राज्य में भूखमरी से मौत हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गरीबों का अनाज सड़ रहा है। कडरू एफसीआई गोदाम में हजारों क्विंटल अनाज सड़ गया, जो बचा है वो भी सड़ रहा है और इस सब की जिम्मेदारी सिस्टम के सिर पर फोड़ा जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि इस सड़े सिस्टम के लिए जिम्मेदार कौन है। मनीष, जी मीडिया, रांची। तो ये तमाम चीजें हैं जो खामियां सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि लोग ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं उनको फायदा मिलेगा, गरीबों को निवाला मिलेगा, लेकिन जिम्मेदार इसकी जिम्मेदारी नहीं समझते और किस तरह से निवालों पर दीमक लग रहा है, ये हमने आपको इस रिपोर्ट में दिखाया। आगे बढ़ते हैं। आयुष्मान योजना में किस तरह से रिम्स पिछड़ा हुआ, इसकी बात करेंगे। रिम्स में मरीजों की भीड़ लगी रहती है, रोज पूरे राज्य से लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं, लेकिन जो रिम्स को लेकर सच सामने आया है वो चौंकाने वाला है। यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत कार्ड धारकों के इलाज की रफ्तार बेहद धीमी है। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में आयुष्मान भारत योजना की रफ्तार काफी धीमी चल रही है। यहाँ आयुष्मान योजना के तहत जितने मरीजों का इलाज होना चाहिए वो काफी कम है। इस मामले में रिम्स रांची के रातू सीएचसी से भी पीछे चल रहा है। 1400 बेड वाले रिम्स अस्पताल में इस साल 292 मरीजों का आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज हुआ, जबकि रातू सीएचसी में 358 मरीजों का आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज हुआ है। रिम्स निदेशक डॉक्टर डीके सिंह के मुताबिक रिकॉर्ड पर हमारा स्थान अच्छा नहीं दिख रहा है। अस्पताल में कुछ परेशानी चल रही है, आयुष्मान योजना के तहत कार्ड बनाने के बाद उसका फॉलो अप नहीं हो रहा है, जिसे जल्द दूर किया जाएगा। कार्ड पर तो हमारा स्थान अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ जो कुछ परेशानी ये चल रही है कि बहुत सारे मेडिसिन में मरीज इलाज हो रहे हैं ऑलरेडी, चूँकि यहाँ दवा ववा मिलती थी और सर्जरी में बाकी की बेसिक सर्जरी होती थी, इसलिए उनका इस आयुष्मान में कार्ड बनने के बाद उसका फॉलोअप नहीं हो पा रहा है। वहीं जी मीडिया ने रिम्स में बने आयुष्मान भारत योजना के कियोस्क सेंटर पर कार्ड बनवाने वाले लोगों से भी गोल्डन कार्ड का हाल जाना। आयुष्मान भारत योजना गोल्डन कार्ड बनवाने के लिए मरीजों की लाइन लगी थी और मरीज व्यवस्था से काफी नाराज थे। जब मेडाल में मैं गई तो वहाँ पैसा लग रहा है, तो वही वो हमको सलाह दिए कि हाँ आपके पास राशन कार्ड है तो फ्री में आपका गोल्डन कार्ड के द्वारा हो जाएगा, लेकिन जब मैं गोल्डन कार्ड के लिए लाइन पे लगी हूँ अभी तो लंच टाइम वो चली जाएंगी फिर आएंगी फिर ये लाइन रहेगा तो फिर पेशेंट का होगा क्या। जाहिर है आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत पीएम मोदी ने राज्य की राजधानी रांची से किया था। अभी तक 36 लाख लोगों का गोल्डन कार्ड बन चुका है, बावजूद रिम्स में धीमी रफ्तार चिंतनीय है। सौरभ शुक्ला, जी मीडिया, रांची।
कम वक्त में ज्यादा काम करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक चुके सूबे के मुखिया फुल एक्शन मोड में काम कर रहे हैं। 3 महीने के कामकाज का खाका वो पहले ही खींच चुके हैं और इस लक्ष्य को साधने के लिए खुद को पूरी तरह से झोंक भी दिया है। खासकर संथाल का विकास उनकी टॉप प्रायोरिटी है, जिसके लिए मुख्यमंत्री रघुवर दास जब मंगलवार को देवघर पहुंचे तो एक साथ कई मोर्चों पर काम करते दिखाई दिए। सरकार, प्रशासन, सियासत और आस्था, चारों मोर्चों पर बिना थके बिना आराम किए उनकी मुस्तैदी ने कईयों को उनका कायल बना दिया। तारीख 9 जुलाई, जगह देवघर, फोकस संथाल, एक्शन में सरकार, सूबे में बदलाव की इबारत लिखने को बेकरार रघुवर सरकार जिस शिद्दत के साथ अपने काम को अंजाम दे रही है उसके सभी कायल हो गए हैं। ऐसे सिर्फ एक दिन की तस्वीर से अगर समझने की कोशिश कर रहे हैं तो 9 जुलाई की तारीख को जेहन में रखिए, जब संथाल फतह के लक्ष्य पर नजरे गराए पूरी रघुवर सरकार ने देवघर में खूंटा गाड़ दिया। मुख्यमंत्री रघुवर दास पूरे दिन एक्शन में दिखाई दिए, चाहे बात आस्था की हो या जिम्मेदारियों की, कहीं भी उनकी पकड़ ढीली नहीं पड़ी। सुबह 6:30 बजे देवघर पहुंचे, सुबह 8:30 बजे मंदिर में पूजा अर्चना की, सुबह 9:30 बजे कुष्ठ आश्रम का निरीक्षण किया, सुबह 10:30 बजे सदर अस्पताल का निरीक्षण किया, सुबह 11:00 बजे देवघर श्राइन बोर्ड की बैठक की, दोपहर 12:00 बजे दुमका के जामा में सदस्यता अभियान कार्यक्रम चलाया, दोपहर 2:30 बजे वासुकीनाथ मंदिर में पूजा और तैयारियों का निरीक्षण किया, दोपहर 3:30 बजे देवघर में कैबिनेट की बैठक की, शाम 4:30 बजे संथाल परगना के DC SP के साथ बैठक की, शाम 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, शाम 6:00 बजे BJP कार्यकर्ताओं से मुलाकात, शाम 7:30 बजे ट्रेन से रांची रवाना। श्रावणी मेले की तैयारियां हो, कैबिनेट के अहम फैसले हो, संगठन का विस्तार हो या विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने का खाका खींचना हो, उन्होंने सब कुछ एक साथ साधने की पूरी कोशिश की और सफल भी होते दिखे। जाहिर है विकास को लेकर ये जुनून और जज्बा किसी को भी कायल कर दे। लगातार भ्रमण करना ये बहुत ही सकारात्मक सोच वाला मुझे दृष्टिकोण नजर आता है, पहल नजर आता है। विकास के मॉडल के संबंध में बहुत दृष्टिकोण है। मैं ये मानता हूँ कि बुनियादी ढांचे का विकास के बगैर आर्थिक प्रगति संभव नहीं है। लेकिन साल 2000 में जब झारखंड का गठन हुआ था तो उम्मीदें बहुत थी विकास की, अधिकार की, लेकिन ये सिर्फ एक सपना बनकर रह गया था। अलग राज्य बनने के बाद झारखंड में 10 बार मुख्यमंत्री बदले गए। शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, हेमंत सोरेन के अलावा अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री का पदभार तो संभाला लेकिन कोई भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। पर यह सूरते हाल उस वक्त पूरी तरह बदल गया जब 2014 में BJP को एक बार फिर सत्ता हासिल हुई और रघुवर दास सूबे के मुख्यमंत्री बने। रघुवर दास झारखंड के वो पहले मुख्यमंत्री हैं जो अपने कार्यकाल पूरा करने के बिल्कुल करीब हैं और इसे पूरा होने में फिलहाल कोई रुकावट भी नजर नहीं आ रही है। जिस तरह रघुवर दास ने खुद को अपने अब तक के कार्यकाल में झारखंड को तरक्की की राह में झोंक दिया, वो जज्बा सूबे के किसी और मुख्यमंत्री में देखने को नहीं मिला। विकास के लिए रघुवर दास की इस जिद का लोहा मानने वाले कई और भी हैं। मुख्यमंत्री का यह प्रयास जो है काफी सराहनीय है। आम जनता से जुड़ी हुई चीजों पर ध्यान दे रहे हैं और उन्हें सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। सत्ता संभालने के साथ से विकास मुख्यमंत्री रघुवर दास के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य रहा और संथाल पर फोकस इस लक्ष्य को पूरा करने की सीढ़ी।
विकास से कोसों दूर संथाल के लोगों के हक के लिए रघुवर सरकार हर मुमकिन कोशिश में जुटी है। अभी तक संथाल ने झारखंड को 3 मुख्यमंत्री दिए थे, लेकिन तीनों मुख्यमंत्री ने संथाल को विकास से दूर रखा था। अब तो स्कूल्स, कॉलेजेस, रोड्स, रेल नेटवर्क सबसे संथाल जुड़ गया है। हमारे मुख्यमंत्री 100 बार से ज्यादा जा चुके हैं संथाल परगना मुख्यमंत्री बनने के बाद, जो कि एक रिकॉर्ड है। अभी तक आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक बनाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ठगने का कार्य किया था। लोकसभा चुनाव में सूबे की जनता ने 14 में से 12 सीट बीजेपी की झोली में डाला। खासकर दुमका लोकसभा सीट के अपने खाते में आने से बीजेपी को नया जोश मिला। अब रघुवर सरकार इसी जोश के साथ संथाल की 81 विधानसभा सीटों को भी फतह करना चाहती है, और उनके बुलंद हौसले को देखते हुए ये बहुत मुश्किल चुनौती भी नजर नहीं आ रही। रांची से अभिषेक, सौरभ के साथ कुमार चंदन, जी मीडिया। झारखंड में कला संस्कृति के जरिए पर्यटन को बढ़ावा देने की नीति पर रघुवर सरकार लगातार काम कर रही है, और इसी कोशिश के तहत सूबे में फिल्म बधाई हो बेटी हुई है का निर्माण होने जा रहा है। रांची में पर्यटन मंत्री अमर बाउरी ने क्लैप दिखाकर फिल्म का मुहूर्त किया। दुर्गा लक्ष्मी का अक्स जिन में, जीवन का उल्लास जिन से, खुशियों की सौगात जिन से, फिर क्यों नहीं कहते हम बधाई हो बेटी हुई है। जी हाँ, आज समाज की इस धारणा पर चोट करने के लिए इस तल्ख हकीकत को बदलने की जरूरत है। लिहाजा सनातन वर्ल्ड प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले बन रही फिल्म बधाई हो बेटी हुई है के जरिए इसी धारणा को बदलने की कोशिश की जा रही है। फिल्म में यामिनी सृष्टि लीड रोल में है और उनके पिता की भूमिका निभाएंगे जाने माने अभिनेता गजेंद्र सिंह। फिल्म का मुहूर्त रांची के सरला बिरला स्कूल में हुआ। राज्य के पर्यटन और कला संस्कृति मंत्री अमर कुमार बाउरी ने क्लैप कर फिल्म का मुहूर्त किया। अमूमन भारतीय समाज बेटे की बधाई देता है, बेटियों की बधाई नहीं देता है, तो ये बहुत पुराने तरीके से जो एक चली आ रही परंपरा है उसको वर्जना को तोड़ करके बेटियों में भी बधाई दिया जाए, यह एक मुझे लगता है इसकी स्क्रिप्ट और इसकी कहानी और इसका जो थीम है वो लोगों को अपील करेगा और लोगों की सोच को बदलेगा। काफ़ी हमें अफसोस होता था कि किसी के घर फोन की घंटी नहीं बजती थी कि बधाई हो बेटी हुई है। सब लोग बेटे के ही प्रतीक्षा में करते थे, जबकि बेटियां ही असली माँ बाप की सेवा करती हैं। इस पर विचार विमर्श हम लोग कर रहे थे कि देश के लिए कुछ ऐसा किया जाए कि एक इतिहास बदले। 6.5 करोड़ रुपए की लागत से बन रही फिल्म बधाई हो बेटी हुई है की शूटिंग झारखंड में होगी। फिल्म की पटकथा एक बेटी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें दिखाया जाएगा कि एक लड़की कैसे अपने समाज, अपने परिवार और अपने देश के लिए खुद को समर्पित करती है। फिल्म को लेकर पूरी टीम बहुत उत्साहित है। बेटी होने पे बधाई नहीं दी जाती थी, लेकिन आज बेटियां जो है भारतवर्ष में भारत का नाम रोशन कर रही हैं। इन शॉर्ट मैं ये कह सकती हूँ कि बेटियों को मारने की जगह उनको जन्म दीजिए, उनकी परवरिश कीजिए और उनको लड़कों से कम ना समझें। कि अभी हम चाहते हैं कि मैं 30 से 35 दिन में हम ये मूवी कंप्लीट कर दें। हमारा जो सब्जेक्ट है वो बेटियों के ऊपर है, और बेटियों को सशक्तिकरण कराने का जो भी सिस्टम है हम ये पूरा सिस्टम दिखाना चाहते हैं। एक बेटी अपने घर को, खुद को और समाज को कैसे बदल सकती है, ये मुद्दे पर हम गौर विषय करना चाहते हैं। वैसे तो ये तल्ख हकीकत है कि किसी लड़की के जन्म पर बधाई हो बेटी हुई है सुनने को मिला हो, क्योंकि अमूमन ऐसी खुशी सिर्फ लड़कों के जन्म पर ही होती है। उम्मीद है ये फिल्म समाज की इस सोच को बदलने में कामयाब होगी। रांची से कामरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।